You are most welcome in my channel VK Education and Information. Today's video topic is very important. Class 9th CBSE Math Chapter 11 Exercise 11.2 Question 3. देखिए क्वेश्चन 3 क्या है. Construct a triangle PQR in which QR is equal to 6 cm, angle Q is equal to 60 cm and PR minus PQ is equal to 2 cm. तो ये एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है. आपको दिया हुआ है यू आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर बेस और एंगल बेस एंगल दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दी हुई है 2 सेंटीमीटर. ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ये क्यू आर खींच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है और क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ठीक है प्रोटेक्टर की मदद से ये प्रोटेक्टर है. ठीक है इस प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको यहां पर रख के एक एंगल 60 डिग्री का बना लेंगे. ठीक है दोस्तों 60 डिग्री का एंगल बना लिया एक्स क्यू आर. ठीक है अब क्या करेंगे हम पी आर माइनस पी क्यू के बराबर क्यू एस एक लाइन सेगमेंट कट करेंगे किसमें से क्यू एक्स लाइन में से QX लाइन को पीछे की तरह एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है इन अपोजिट साइड ऑफ QR यानी यहां से इसको यहां तक एक्सटेंड कर दिया 2 सेंटीमीटर. ठीक है दोस्तों इसका नाम रख लिया हमने S QS. S को R से मिला दिया और S और R का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया विद द हेल्प ऑफ कंपास. ठीक है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं क्यू एस आर का आधे से ज्यादा रेडियस रेडियस आर्क लेके इस साइड में कर देंगे ऐसे साइड कर देंगे और फिर यहां से रख के ऐसे काट देंगे और ऐसे काट देंगे और ये जिन दोनों पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कट करेंगे उन पॉइंटों को मिलाते हुए ये क्यू एक्स को किसी जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे P और P को R से मिला देंगे तो पी क्यू आर जो हो जाएगा हमारा ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों. ठीक है ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा. अब देखिए जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं तो एंगल Q आपको दिया हुआ 60 डिग्री और बेस क्यू आर भी दिया हुआ है क्योंकि पी जो है लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर. ठीक है एस आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो पी एस इजिकल टू पी आर हो जाएगा और पी एस किसके बराबर हो जाएगा पी एस बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस. ठीक है और इजिकल टू पी आर और क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर माइनस पी क्यू. तो यही हमने प्रूव करना था. अब चाहे आप इसको लाइए अगर आप इनको पी आर और पी क्यू को डिफरेंस लेंगे तो क्यू एस के बराबर आएगा. ठीक है दोस्तों इनका डिफरेंस क्यू एस यानी 2 सेंटीमीटर आएगा. आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू. तो ये था आज का वीडियो. कैसा लगा वीडियो राइट मीन कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें. थैंक यू.